अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज की व्लॉग में मैं थोड़ा सा ट्रैवल के बारे में ट्रैवल गाइड करूंगा, जो कि एक जगह का नाम है जब्बा, और ये मनकियाल से जो है 2 घंटे के फासले पर है। कालाम से पहले एक छोटा सा गांव आता है मनकियाल, तो उससे पहले आता है, और आप लोगों के साथ मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा और उसका रास्ता भी बताऊँगा कि मिंगौरा से जो है सवात मिंगौरा से आप लोग कैसे वहाँ तक जा सकते हो, कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो चले जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिप में हमारे साथ जो है मुनीबुल्ला और अनीसुल्ला, तो ये हमारे साथ जाएंगे जब्बा। तो हमारी जर्नी जो है अभी मिंगौरा से स्टार्ट हुई है एंड आगे जो है आप लोगों को एक्सप्लोर करते जाएंगे। सो फिलहाल हमने स्टे किया है यहाँ पर नाश्ते के लिए, अभी मध्यान बाज़ार में जो है हम रुके हुए हैं और यहाँ पर अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। सो फिलहाल हमारा नाश्ता जो है रेडी है और यहाँ पर मुनीबुल्ला जो है ज़बरदस्त नाश्ता कर रहे हैं, एंड नाश्ता करके जो है फिर आगे व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी बहरीन का एरिया जो है शुरू हो गया है, तो अभी हम मनकियाल, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मनकियाल ये गांव का नाम है, ये छोटा सा गांव है और ये रोड जा रहा है कालाम। तो कालाम से 5-6 किलोमीटर पहले जो है एक ब्रिज आता है मनकियाल, इसको आप लोग क्रॉस कर, यहां पर आप लोगों को पार्किंग भी मिल जाएगी, और यहां से जो है आप लोग अगर जब्बा जाना चाहते हैं तो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, जीप वगैरह खड़ी है, तो यहाँ से आप लोगों को ईजिली जीप्स मिल जाएंगे, और बाकी व्यू भी जो है आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत व्यू है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं ड्राइवर की, तो गाड़ी में जाएंगे और पूरा जो है आप लोग को जब्बा तक पूरा रोड और ड्राइव जो है आप लोग को मैं गाइड कर दूंगा। तो ये मनकियाल का जो है एक छोटा सा बाजार है जिसमें आप लोगों को चपली कबाब और ट्राउट फिश, बाकी भी जितने भी सामान आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। अभी ये सारा रास्ता जो आप लोग देख रहे हो ये है जब्बे का रास्ता, ठीक है। तो अभी ये गाड़ी जो है हमें ऊपर टॉप तक जो है पहुँचाएगी। तो बांडे से पहले भी एक ब्रिज आप लोग क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद भी एक छोटा सा गांव आता है और यहां पर आप लोग ज़रूरत की सामान ले सकते हो। तो यहां से बहुत ही ज़्यादा प्यारी व्यू आप लोगों के सामने है, ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा फिट, और ऐसी व्यू मैंने पहले कभी नहीं देखी। बिल्कुल नीचे ही जा रहा है मतलब स्वात जो है, ये सारा पानी वाटरफॉल कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, यू नो द सीन्स आर मैजिकल, और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत इलाका है, और इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली एंजॉयिंग, यू नो गाइस। यहां से हमारा गाड़ी का जो सफर था वो खत्म हो चुका है, और बांडा जो है उससे 5 मिनट पहले जो है गाड़ी यहां पर स्टॉप हो जाती है, एंड नाउ इस रास्ते पर अभी हमने 5 मिनट आगे पैदल ट्रेवल करके अभी बांडा पहुँच जाएंगे। यहाँ पर अभी हमने तकरीबन 3 मिनट्स तक हाइक कर लिया है, बस अभी आगे 3-4 मिनट और। तो फाइनली हम जब्बा पहुंच गए, और यहाँ पर ऊपर से मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी व्यू है, और ऊपर जो माउंटेन्स है तो पूरी स्नो से कवर्ड है, और नीचे जाके भी मैं आप लोगों को अभी पूरा सा पूरा दिखा देता हूँ जो जब्बा का मीडोज़ है। सो ये है जब्बा की ब्यूटी, यहाँ पर बहुत ही मौसम भी बहुत ठंडा है, उसके अलावा आप लोग सामने ये माउंटेन्स देख सकते हो पूरे स्नो से कवर्ड है, और बाकी ग्रीनरी सारी यहाँ पर जो है मीडोज़ है। निबुल्ला कैसा लग रहा है, फिट?
अनिस कैसा लग रहा है? सो फिलहाल गाइज व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।